गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको एनीलिडा संघ के बारे में आपको बताया। एनीलिडा संघ का शाब्दिक अर्थ पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि एनीलिडा जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, एनुलस प्लस ईडा। एनुलस का अर्थ होता है लिटिल रिंग और ईडा का अर्थ होता है फॉर्म, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म वाले रूप में। एनीलिडा संघ का नाम और स्थापना जो की गई थी वो लामार्क नामक वैज्ञानिक ने की, ठीक है। तो लैमार्क ने 1801 में एनीलिडा संघ की स्थापना की और एनीलिडा संघ को नाम दिया। 1801 में लैमार्क ने ये नाम दिया था। मेयर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी पर एनीलिडा संघ के लगभग 9000 जाति के जीव पाए जाते हैं। देखिए, इसके बाद हमने आपसे बात की थी एनीलिडा संघ के मुख्य लक्षणों के बारे में। एनीलिडा संघ के जो जंतु होते हैं वो लवणीय, अलवणीय और स्थलीय जल के अंदर पाए जाते हैं। लवणीय, अलवणीय और स्थल पर क्या है, पाए जाते हैं। तीसरा देखिए, एनीलिडा संघ के जंतुओं का शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। एनीलिडा संघ के जंतुओं में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। एनीलिडा संघ के जंतुओं के अंदर वास्तविक देहगुहा पाई जाती है, ट्रूसिलोमेट होते हैं। एनीलिडा संघ के जंतुओं में वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। एनीलिडा जो संघ के जंतु होते हैं उनके अंदर आहार नाल पूर्ण रूप से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। मुख से लेकर के गुदा तक आहार नाल क्या होते हैं, फैली हुई होती है। एनीलिडा संघ के जंतुओं में जो पाचन होता है वो बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। एनीलिडा संघ के जंतुओं में बाह्य कोशिकीय पाचन क्या है, पाया जाता है। एनीलिडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो नेफ्रिडिया के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? नेफ्रिडिया के द्वारा होती है। एनलीडा संघ के जो जंतु होते हैं वो गति करने के लिए उनके शरीर के अंदर पैरापोडिया, जिनको हम पार्श्वपाद कहते हैं, पार्श्वपाद पाए जाते हैं, चूसक पाए जाते हैं, या फिर उनके अंदर सूक, जिन्हें हम सीटा के नाम से भी जाना जाता है, वो पाए जाते हैं। देखिए, एनलीडा संघ के जो जंतु होते हैं उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, परिसंचरण तंत्र जो होता है, वो बंद प्रकार का होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र जो होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है, और तंत्रिका तंत्र जो होता है वो तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जुओं से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जुओं से मिलकर के तंत्रिका तंत्र बना होता है। इन जंतुओं के शरीर के ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, साथ में इनमें एपिडर्मिस पाई जाती है और इनका शरीर पेशी स्तरों से मिलकर के बना होता है। एनीलिडा संघ के जो जंतु होते हैं वो एकलिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं। इस संघ के प्राणियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का ही परिवर्धन पाया जाता है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाए जाने वाले जीवों में लार्वा अवस्था पाई जाती है। मैंने इसका आपको कई एग्जाम्पल बताए थे, जैसे रेत कृमि, जिसको नीरीज के नाम से जाना जाता है, कैचुआ है, ठीक है, पेरिस्टीमा पोस्टुमा के नाम से उसे जाना जाता है। कैचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। ये ऐसे जंतु होते हैं जो पृथ्वी पर क्या है, पाए जाते हैं। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है, आप ध्यान से सुनना, आर्थोपोडा संघ के बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं आर्थोपोडा संघ के बारे में। बात करते हैं आर्थोपोडा संघ के जंतुओं के बारे में। देखिए, आर्थोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनके लक्षणों के बारे में। आर्थोपोडा संघ के जंतुओं का हम बात करने जा रहे हैं, किसके बारे में, उनके अंदर
उनके सामान्य लक्षणों के बारे में, कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स के ऊपर भी हम आपको यहाँ पर क्या है आपसे चर्चा करेंगे। देखिए आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आर्थ्रोपोडा फाइलम। देखिए सबसे पहले हम आर्थ्रोपोडा संघ का शाब्दिक अर्थ पर आपसे बात करते हैं। किस पर? आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है? देखिए बात करते हैं आर्थ्रोपोडा पर। आर्थ्रोपोडा, देखिए आर्थ्रोपोडा जो संघ होता है, ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा का शाब्दिक अर्थ पर बात कर रहे हैं। आर्थ्रोपोडा जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। देखिए आर्थोस प्लस पोडा, आर्थोस का अर्थ होता है जॉइंट और पोडा का अर्थ होता है फुट। पोडा का अर्थ क्या होता है? फुट, अर्थात ऐसे जंतु जिनके अंदर जॉइंट का अर्थ होता है संधि युक्त और फुट का अर्थ होता है पाद। ऐसे जंतु जिनमें क्या पाए जाते हैं? संधि युक्त पाद पाए जाते हैं। ऐसे जंतु जिनमें संधि युक्त पाद पाए जाते हैं उन्हें आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु कहा जाता है, ठीक है? आपको मैं बता दूं जंतु जगत का सबसे बड़ा ये क्या है? संघ है। आर्थ्रोपोडा इज द बिगेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। जंतु जगत का ये सबसे बड़ा संघ है, कौन सा? आर्थ्रोपोडा। अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा नाम किसने दिया। देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वान सीबोल्ड। वान सीबोल्ड नाम के वैज्ञानिक ने आर्थ्रोपोडा संघ नाम दिया। आर्थ्रोपोडा संघ नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है वान सीबोल्ड, ठीक है? और वान सीबोल्ड ने इस आर्थ्रोपोडा संघ की क्या की थी? स्थापना की थी। आर्थ्रोपोडा संघ की स्थापना भी किसने की थी? वान सीबोल्ड नामक वैज्ञानिक ने। देखिए इसके हम कुछ एग्जांपल आपको यहां पर दिखा रहे हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको बता दूं मधुमक्खी आपने देखी होगी, हनी बी जिसे बोलते हैं, ठीक है, एपिस इंडिका के नाम से जानते हैं, या आपने फल मक्खी देखी होगी जिसे ड्रोसोफिला के नाम से जानते हैं या फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। आपने क्या है टिड्डा देखा होगा जिसे आप लोग ग्रास ऑफर के नाम से जानते हैं, जिसे रोमेलिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है? आपने क्या है रेशम का कीड़ा देखा होगा जिसे बॉम्बिक्स मोराई के नाम से जाना जाता है। खटमल देखे होंगे जिन्हें क्या है क्लाइमैक्स के नाम से जानते हैं, सॉरी साइमैक्स के नाम से उन्हें जानते हैं, खटमल को साइमैक्स कहते हैं, ठीक है? तो ये सारे जंतु जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। देखिए मैं जैसे एक आपको एग्जाम्पल यहां पर दिखा रहे हैं, यहां पर इस तरीके से एक चित्र बना रहे हैं हम यहां पे। तितली होती है हमारे, इस तरीके से आपने ये जंतु देखे होंगे, ठीक है? ये देखिए तो यहां पर क्या पाए जाते हैं? संधि युक्त उपांग इन जंतुओं के अंदर क्या है पाए जाते हैं। इन जंतुओं का जो शरीर होता है वो तीन भागों में बटा होता है। देखिए हम बात कर रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोडा एनिमल्स या आर्थ्रोपोडा फाइलम।
आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के सामान्य लक्षण। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का जो शरीर होता है वो तीन भागों में बटा होता है, ठीक है। कौन कौन से भाग होते हैं इन जंतुओं का जो शरीर होता है वो सिर के अंदर बटा होता है, है ये कौन सा भाग कहलाता है? वक्ष वाला भाग। और ये वाला भाग कौन सा कहलाता है? उदर वाला भाग। अर्थात आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का शरीर तीन भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर के अंदर क्या है? बटा होता है, ठीक है। ये जंतु पृथ्वी पर क्या है? सर्वत्र पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? सर्वत्र ये जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इन जंतुओं का अगर शारीरिक संगठन की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो आपको बता दो इन जंतुओं का जो शरीर होता है वो अंग और तंत्रों से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है? अंग और तंत्र से इन जंतुओं का शरीर बना होता है। अर्थात इन जंतुओं का शारीरिक संगठन कैसा होता है? अंग तंत्र स्तर का होता है। देखिए अगर इस जंतु को ऐसे हम काटें, ठीक है, तो इसका मतलब ये दो भागों में बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। द्विपार्श्व को इंग्लिश में बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है या द्विपार्श्व सममिति होती है वो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के अंदर पाई जाती है। इन जंतुओं के अंदर वास्तविक क्या पाई जाती है? देह गुहा पाई जाती है। ट्रिउसिलोमेट होते हैं, ट्रिउसिलोमेट होते हैं। वास्तविक देह हुआ आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में पाई जाती है। और इन जंतुओं का शरीर जो होता है उसमें खंडी भवन पाया जाता है। खंडी भवन भी कौन सा पाया जाता है? वास्तविक खंडी भवन इन जंतुओं में पाया जाता है। कौन सा खंडी भवन पाया जाता है? वास्तविक खंडी भवन इन जंतुओं में क्या है? पाया जाता है। ट्रू सेगमेंटेशन इज फाउंड ऑल्सो फाउंड इन आर्थ्रोपोडा फाइलम। एनलिडा संघ के जंतुओं में तो पाई जाता है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में भी क्या पाया जाता है? वास्तविक खंडी भवन क्या है? पाया जाता है। इनके शरीर के ऊपर क्या पाया जाता है? क्यूटिकल का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। ये आवरण होता है वो किसका बना होता है? क्यूटिकल का। तो शरीर के ऊपर क्या पाया जाता है? क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, जो खंडीय कंकाल का क्या करता है? निर्माण करता है। जो खंडीय कंकाल का क्या करता है? निर्माण करने का कार्य करता है। इनकी देह गुहा कैसी होती है? बड़ी होती है, ठीक है। देह गुहा कैसी होती है? बड़ी होती है। और आपको बता दूं देह गुहा जो होती है वो रक्त से क्या होती है? भरी हुई होती है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं की देह गुहा बड़ी होती है, रक्त से क्या होती है? भरी हुई होती है। और रक्त से भरी हुई देह गुहा को क्या कहा जाता है? हीमोसील कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? हीमोसील कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि हीमोसील क्या है, तो आप कहेंगे कि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु जो होते हैं उनकी जो देह गुहा होती है वो बड़ी होती है, जो रक्त से क्या होती है? भरी होती है। इस रक्त से भरी हुई देह गुहा को ही हीमोसील कहा जाता है। अब देखिए अगर बात करें तो इनमें श्वसन के बारे में बात करें, तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में श्वसन की क्रिया करने के लिए, कौन सी क्रिया करने के लिए? श्वसन की क्रिया करने के लिए इनके अंदर विशिष्ट प्रकार के अंग पाए जाते हैं। देखिए आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में श्वसन की क्रिया करने के लिए श्वसन नलिका पाई जाती है, श्वास नलिका पाई जाती है जिसको ट्रैकिया कहते हैं, या इनके अंदर पुस्तक यानी कि फेफड़े पाए जाते हैं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं बुक लंग्स, और इनके या फिर इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं। यानी कि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में श्वसन की क्रिया श्वसन नलिका के द्वारा हो सकती है, ट्रैकिया के द्वारा हो सकती है, बुक लंग्स के द्वारा हो सकती है, या फिर किसके द्वारा हो सकती है? गिल्स के द्वारा इनमें क्या होता है? श्वसन की क्रिया होती है। देखिए अगर हम इनके अंदर रुधिर के परिसंचरण के बारे में बात करें, तो इनमें रुधिर का जो परिसंचरण होता है वो ओपन प्रकार का होता है, ठीक है। खुला रुधिर परिसंचरण इनके अंदर पाया जाता है। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन आर्थ्रोपोडा फाइलम। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
इनके रक्त में श्वसन वर्णक अनुपस्थित होते हैं। रक्त में श्वसन वर्णक क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। आपको बता दूं, इनका जो रुधिर होता है वो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, और इन जंतुओं के अंदर कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें श्वसन वर्णक के रूप में हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। कौन सा वर्णक पाया जाता है? हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। कुछ जंतुओं के रक्त में हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण उन जंतुओं के रक्त का रंग नीला होता है। तो हीमोसाइनिन वर्णक के कारण कुछ जंतुओं का रुधिर का रंग कैसा होता है? नीला होता है। खासतौर से इंसेक्टावर्ग के जो जंतु होते हैं, ठीक है, इंसेक्टावर्ग के जो जंतु होते हैं उनका रुधिर का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, देखिए अगर इसके बाद हम बात करें किसके, आर्थोपोडा संघ के बारे में, अगर उत्सर्जन के बारे में बात करें, तो आर्थोपोडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया करने के लिए इनमें क्या पाई जाती है? ग्रीन ग्रंथि पाई जाती है। ग्रीन ग्रंथि न बोले तो हम यह बोल सकते हैं कि आर्थोपोडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया मेलपिगियन नलिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मेलपिगियन नलिकाओं के द्वारा होती है। और आर्थोपोडा संघ के जंतु ज्यादातर कौन से होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। उत्सर्जन की दृष्टि से आर्थोपोडा संघ के जंतु कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक होते हैं, अर्थात वे जंतु जो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक जंतु कहा जाता है। इन जंतुओं में पाचन तंत्र जो होता है वो पूर्ण रूप से क्या है? विकसित होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड इन आर्थ्रोपोडा फाइलम। आर्थोपोडा संघ के जंतुओं में पाचन तंत्र होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है? विकसित होता है। तो डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो पूर्ण रूप से क्या सा होता है? विकसित होता है। डाइजेशन सिस्टम इज वेल डेवलप्ड इन आर्थोपोडा फाइलम। ठीक है, तो आर्थोपोडा संघ के जंतुओं के अंदर पाचन तंत्र कैसा होता है? पूर्ण रूप से कैसा होता है? विकसित होता है। देखिए इनके अंदर अगर तंत्रिका तंत्र की बात करें तो आर्थोपोडा संघ के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र भी कैसा होता है? पूर्ण रूप से विकसित होता है। ठीक है, इनमें तंत्रिका तंत्र जो होता है उसमें प्रस्थ तंत्रिका वलय और अधर तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। प्रस्थ में तो क्या पाई जाती है? तंत्रिका वलय पाई जाती है, और अधर में तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आर्थोपोडा संघ के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र में प्रस्थ तंत्रिका वलय एवं अधर में तंत्रिका रज्जु क्या है? पाया जाता है। देखिए इन जंतुओं में संवेदी अंग भी पाए जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, परंतु सेंसरी जो ऑर्गन होते हैं संवेदी अंग होते हैं वो कैसे होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ जंतुओं में सरल नेत्र पाए जाते हैं, कुछ जंतुओं में संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, कुछ जंतु रसायन ग्राही होते हैं, ठीक है, कुछ जंतु स्पर्श ग्राही होते हैं। तो यानी कि इनके अंदर संवेदी अंग कैसे होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। देखिए आर्थोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं उन वो अधिकांशतः एक लिंगी होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? जो एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। कुछ जंतु कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ होते हैं, ठीक है, कुछ जंतु द्विलिंगी होते हैं, परंतु अधिकांशतः कैसे होता है? एक लिंगी होता है। देखिए अधिकांशतः जंतुओं में प्राय आंतरिक प्रकार का क्या पाया जाता है? निषेचन पाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन मोस्टली एनिमल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा फाइलम, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आंतरिक निषेचन अधिकांशतः जंतुओं में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में अधिकांशतः क्या पाया जाता है? आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ठीक है, देखिए ये जंतु अंडज होते हैं, ओवी पैरस होते हैं। कैसे होते हैं? ओवी पैरस होते हैं। देखिए इन जंतुओं में जो परिवर्तन होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है,
डेवलपमेंट होता है, परिवर्धन किस प्रकार का होता है उस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के अंदर जो परिवर्धन होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष प्रकार से भी इनका परिवर्धन होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार से भी क्या होता है इनका परिवर्धन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन जंतुओं में अगर अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्धन होगा तो इन जंतुओं के अंदर अनेक क्या पाई जाती है, एक से अधिक लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है, एक से अधिक लार्वा अवस्था पाई जाती है। एक बार फिर मैं आर्थोपोडा संघ पर रिपीटेशन कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा है हम आपको कि आर्थोपोडा संघ जो होता है, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ बताया कि आर्थोपोडा जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। देखो आर्थोस प्लस पोडा, ठीक है, आर्थोस का अर्थ होता है जॉइंट, ठीक है, और पोडा का अर्थ होता है फुट, ठीक है। जॉइंट का अर्थ होता है संधि युक्त, फुट का अर्थ होता है पाद, अर्थात इस संघ के जंतुओं में संधि युक्त पाद पाए जाते हैं। ये संधि युक्त पाद, देखिए इनको संधि युक्त उपांग भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। आर्थोपोडा संघ नाम वान सीबोल्ड ने दिया था और इसकी स्थापना भी सीबोल्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी, वान सीबोल्ड नामक वैज्ञानिक ने। करैक्टर मैंने बताया कि इन जंतुओं का शरीर जो होता है वो मुख्यतः तीन भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर में क्या होता है, बटा होता है। इन जंतुओं का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि इनमें संधि युक्त क्या पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं। देखिए इन जंतुओं का शारीरिक संगठन जो होता है वो अंग और तंत्र स्तर का होता है। इन जंतुओं में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इन जंतुओं में देह गुहा होती है वो वास्तविक प्रकार की पाई जाती है। इनके अंदर जो खंडी भवन होता है वो भी वास्तविक प्रकार का पाया जाता है, अर्थात वास्तविक खंडी भवन आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में पाया जाता है। इन जंतुओं के शरीर के ऊपर क्यूटिकल का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है जो खंडीय कंकाल का क्या करता है, निर्माण करता है। इनकी देह गुहा बड़ी होती है जो रक्त से भरी हुई होती है, जिसे हीमोसिल गुहा के नाम से जाना जाता है। आर्थोपोडा संघ के जंतुओं में श्वसन की क्रिया जो की जाती है वो श्वसन नलिकाओं के द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा, बुक लंग्स के द्वारा या गिल्स के द्वारा की जाती है। इन जंतुओं में रुधिर का परिसंचरण कैसा होता है, खुला प्रकार का होता है, ठीक है। और आपको बताएं इनके रक्त में श्वसन वर्णक नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनका रुधिर कैसा होता है, रंगहीन होता है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें हीमोसाइलिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण उस उन जंतुओं का रुधिर का रंग कैसा होता है, नीला होता है। इन जंतुओं में, ठीक है, उत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो ग्रीन ग्रंथि या मैल पीके नलिकाओं के द्वारा होता है। उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है, ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा या फिर मैल पीके नलिकाओं के द्वारा होती है। ये जंतु उत्सर्जन की दृष्टि से यूरिकोटैलिक प्रकार के जंतु होते हैं। पाचन तंत्र जो होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। इन जंतुओं में तंत्रिका तंत्र जो होता है वो पाया जाता है और तंत्रिका तंत्र में मैंने बताया पृष्ठ तंत्रिका वलय, पृष्ठ में तंत्रिका वलय पाए जाते हैं, अधर में तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। इन जंतुओं में संवेदी अंग पाए जाते हैं, ठीक है, और आपको बताया कि इनके अंदर सरल प्रकार के नेत्र पाए जाते हैं, कुछ में संयुक्त प्रकार के पाए जाते हैं, कुछ कैसे होते हैं, स्पर्श ग्राही होते हैं, कुछ रसायन ग्राही होते हैं। ये सारे संवेदी अंगों के बारे में हमने आपको बता दिया है। देखिए ये जंतु कैसे होते हैं, अंडज होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, ओवी पैरस होते हैं। ये जंतु अधिकांशतः एकलिंगी होते हैं, कुछ जंतु द्विलिंगी भी होते हैं। इन जंतुओं में प्राय आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इन जंतुओं का जो परिवर्तन होता है वो मुख्य रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। क्लियर बात होगी। सबसे अंत में बात बता दूं कि इन जंतुओं का जो शरीर होता है वो त्रिस्तरीय होता है, अर्थात ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। यानी हम कह सकते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं उनका शरीर तीन स्तरों से मिलकर के बना होता है, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से और किससे बना होता है, मीजोडर्म से बना होता है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से क्या होता है, बना होता है। इसलिए ये जंतु कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं।
कौन से होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिपल का अर्थ होता है तीन, ब्लास्टिक का अर्थ होता है लेयर, ऐसे जंतु जिनका शरीर तीन स्तरों से लेयरों से बना होता है। और वो कौन से जंतु होते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं। अब हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के नाम, ठीक है। यहां से कई बार कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे पहली नूरस नाम का एक आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु होता है, जिसे लॉबस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली नूरस का उपनाम होता है लॉबस्टर। साइक्लॉप्स, जिसे सौ पत्नियों का पति कहा जाता है। साइक्लॉप्स एक जंतु होता है जिसे सौ पत्नियों का पति कहा जाता है। पैलीमोन, जिसे झींगा मछली के नाम से जाना जाता है। पैलीमोन है, उसका उपनाम होगा झींगा मछली, ठीक है। देखिए कैंसर, जिसको केकड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? केकड़ा के नाम से जाना जाता है। जूलस, जिसे सहस्त्रपादी के नाम से जाना जाता है। जूलस, जिसे सहस्त्रपादी भी कहा जाता है। स्कोलोपोंड्रा, स्कोलोपोंड्रा जिसे शतपादी भी कहा जाता है, सेंटीपीड के नाम से जाना जाता है। लैपिसमा को सिल्वर फिश भी कहा जाता है। लैपिसमा जो होते हैं उसे सिल्वर फिश भी कहा जाता है। टिट्टा, जिसे रोमेलिया के नाम से जाना जाता है, रोमेलिया, ठीक है। जलीय बिच्छू होता है जिसे राना टरा के नाम से जाना जाता है, राना टरा, जिसे जलीय बिच्छू भी कहते हैं। घरेलू मक्खी होती है जिसको मस्का डोमेस्टिका के नाम से जानते हैं। मधुमक्खी होती है जिसे एपिस इंडिका के नाम से जानते हैं। रेशम का कीड़ा होता है जिसे बॉम्बिक्स मोराई के नाम से जाना जाता है। जू होती है जू, जिसको ह्यूमन पेडिकुलस के नाम से जाना जाता है। खटमल, जिसे किसके नाम से जानते हैं? साइमैक्स के नाम से जाना जाता है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। चाहे पैलिनुरस हो, चाहे आपके सौ पत्नियों का पति साइक्लोप्स हो, चाहे पैलीमोन हो, चाहे मस्का डोमेस्टिका हो, चाहे जुआ हो, चाहे हमारी क्या नाम से मधुमक्खी हो, चाहे टिड्डा हो, चाहे सत्पादी हो, चाहे सहस्त्रपादी हो, चाहे हर्मिट क्रैब हो, ये सारे आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं, ठीक है। और इसलिए आपको मैंने बताया आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु, आर्थ्रोपोडा जो संघ होता है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा क्या होता है? संघ होता है। इसी के साथ आर्थ्रोपोडा संघ समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम मोलस्का वर्ग के बारे में, मोलस्का फाइलम पर आपसे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।